हमारी आज की कहानी है सतरंगी झील नलतर की, जिसे नलतर झील भी कहा जाता है। वादी नलतर की जानिब हमारा सफर 26 अगस्त 2019 को डेरा इस्माइल खान से बाइक पर शुरू हुआ। डेरा इस्माइल खान से वादी नलतर तक का सफर बरास्ता नारान, बाबूसर टॉप, गिलगित और फिर शाहराए कराकोरम पर तकरीबन 836 किलोमीटर का है। रात के लगभग 10:30 बजे हमने सफर का आगाज किया और 27 अगस्त 2019 की रात नारान में गुजारने के बाद हम पहुंचे वादी नलतर। मेन शाहराए कराकोरम से नलतर गांव तक का फासला 17 किलोमीटर है, जो मुकम्मल तौर पर ऑफ रोड है और इस 17 किलोमीटर के फासले को तय करने में हमें कम से कम 2 घंटे लग गए। रास्ते में कुछ लैंडस्लाइडिंग भी हुई, लेकिन बाइक के साथ साथ हमारा भी बच बचा हो गया। नलतर में सियाहों की रिहाइश के लिए होटल्स मुनासिब नरखों पर आसानी से मिल जाते हैं, जबकि हुकूमत की जानिब से रेस्ट हाउस भी बनाए गए हैं। नलतर के जीरो पॉइंट पर हमें एक खूबसूरत होटल में मुनासिब नरख पर कमरा मिला। वादी नलतर पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन वादियों में से एक है, जो गिलगित से तकरीबन 40 किलोमीटर के फासले पर वाके है। बड़ी गाड़ियों या जीपों के जरिए यहाँ पहुँचा जा सकता है। जीपें करीब ही वाके वादी नुमल से हायर की जा सकती हैं। मकामी जबान में नलतर का मतलब है नालों से भरी हुई। वादी नलतर में पहाड़ों की ऊंची ऊंची चोटियों के अलावा जंगलात की भी बहुतात है और जगह जगह पानी के खूबसूरत झरने नजर आते हैं। हमने नलतर के जीरो पॉइंट पर लिए गए होटल में एक ठंडी मीठी रात गुजारी। रात गए तक होटल के मैनेजर इजाज की खूबसूरत आवाज में मकामी और उर्दू जबान में गाए गए गीतों ने हमारे टूर का लुत्फ दुबाला कर दिया। कपड़े बदल कर बाल बना कर कहां चले हो किसके लिए, रात बहुत काली है ना सिर रहो तो बेहतर है, नहीं कपड़े बदल कर सुबह हम जीरो पॉइंट से सतरंगी झील की तरफ रवाना हुए तो रास्ता बहुत ही दुश्वार गुजार था। जीरो पॉइंट से आगे सतरंगी झील तक का सफर 11 किलोमीटर है, लेकिन ये 11 किलोमीटर का सफर इंतहाई पथरीले, टेढ़े मेढ़े और पानी से भरे रास्तों पर मुश्तमिल है, जिस पर आपको 2 से 2.5 घंटे लग सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद काशिम नबीद और आप देख रहे हैं बुराक चैनल। इस वक्त हम नलतर में सतरंगी झील की तरफ जा रहे हैं। इमरान गंडापुर मेरे साथ है, चलते हैं देखते हैं कि आगे
रास्ते की क्या सिचुएशन है, रास्ता जो है वो बहुत सा ख़राब है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप उस पर ट्रैवल ना कर सकें। बहरहाल चलते हैं आगे की तरफ। बहुत खूबसूरत इलाका है, नलकर की बात की है इंतहाई खूबसूरत है। आप अगर यहाँ पे आएँ तो मैं कहता हूँ कि बस आप कहेंगे कि आपकी मेहनत जो है वो वसूल हो चुकी है। ये बाइक हमारी खड़ी हुई है और इस पर जो है अब हम पीर शरीफ अपनी तस्वीर जो है मुहैया फरमाने वाले हैं। ले जी इमरान रणपुर, आप मूवी बनाएंगे हमारी। पहले आप अपना बैग से ज़बरदस्त किस्म के पत्थर, पथरीला रास्ता है, इन्हीं पत्थरों पर चल के अगर आ सको तो। ये सतरंगी लेक जो है ये मुझसे ये कह रही है कि इन्हीं पत्थरों पर चल के अगर आ सको तो आओ मेरे रास्ते, कि मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है। तो अब इसके घर में, चूँकि घर तक रास्ते में कहकशां नहीं है, तो मजबूरी है इन पत्थरों पर चल के जाएंगे। और पत्थरों के साथ साथ यहाँ पे दरख्तों की जो जड़ें हैं उन्होंने भी रोड पे कब्जा जमाया हुआ है। शेरलैंड जी, एक मरतबा फिर पत्थर और चढ़ाई, एक मरतबा फिर पत्थर और चढ़ाई। और हजरत इमरान साहब जो हैं वो मेरे पीछे हैं और सेल्फी स्टिक पर बना रहे हैं ये जबरदस्त वीडियो। पत्थरों और दरख्तों की जड़ों से भरे हुए रास्ते पर अपनी पसलियों की अच्छी खासी वर्जिश कराने के बाद जब हम सतरंगी झील पहुंचे तो झील की खूबसूरती ने सारी थकन एकदम उतार दी। फाइनली वी हैव रीच एट सतरंगी लेक नलतर। और सतरंगी लेक नलतर कैसी है हम आपको दिखाते हैं जरा। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत व्यू, बहुत ही अमेजिंग। और ये जनाब मैं घूम रहा हूँ और घूमते झील का पानी इंतहाई शफाफ है और तह तक हर किस्म के पौधे और पत्थर बआसानी नजर आते हैं। पानी के शफाफ होने की वजह से झील की तह में मुख्तलिफ रंगों की जड़ी बूटियों के सबब पानी मुख्तलिफ रंगों में रंगा दिखाई देता है। यही वजह है कि इस झील को सतरंगी झील का नाम दिया गया है। तो जी चक्कर हमारा जो है ये एक कंप्लीट हुआ है। एक मरतबा फिर चाय से लुत्फंदोज होंगे, उसके साथ कुछ खाएंगे पियेंगे, चिप्स वगैरह, और फिर एक और चक्कर लगाएंगे झील का, क्योंकि इतनी खूबसूरत झील है और इतनी दूर से जब बंदा आए तो आई थिंक एंजॉयमेंट बहुत जरूरी है। तो ये जी सबसे पहले जो है इमरान उतरेगा, क्योंकि इमरान माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बहादुर है, समझ गए होंगे आप। बहुत डरता है थोड़ा थोड़ा। बहुत नहीं, थोड़ा थोड़ा डरता है। चलें जी उतरे इमरान भाई, उतरे 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 शाबाश। आप जमीन में अल्लाह अकबर। अब मेरी बारी है जी, और ये मैं कश्ती से निकल आया बाहर। वो चाय आपके होटल की थी? बस ठीक है, फिर इकट्ठा बिल बनाएंगे। सतरंगी झील के करीब ही छोटे छोटे ढाबे टाइप होटल्स बने हुए हैं जहां आपको खाने पीने की अशिया आसानी से मिल सकती है। जिस किचन में चाय बन रही है जरा उसका विजिट कर लेते हैं। ये हमारे लियाकत भाई हैं, इनका एक छोटा सा होटल बना हुआ है, और भी होटल हैं, लेकिन हम चूँकि लियाकत भाई के पास आए थे तो ये है जनाब होटल। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त कमरा बनाया हुआ है। बाहर तो अच्छा खासा सर्द मौसम है, लेकिन यहाँ पे ये मैंने बनाया आलू की चिप्स।
आलू के चिप्स बन रहे हैं, हमने भी खाए थे, बहुत ज़बरदस्त थे। ये देखें तो लेक, सतरंगी लेक के बिल्कुल सामने इनका जो है वो होटल है। अभी तक ये बेनाम है, इसका नाम नहीं रखा गया, तो मैंने लियाकत भाई को कहा कि इसका नाम लियाकत होटल रख दो, अगर नहीं रखते तो मेरे नाम पे रख दें काशिफ होटल, नीचे लिख दें डेरा इस्माइल खान। और नेक्स्ट टाइम हमने आना है अपने पूरे बुराकीज ग्रुप के साथ, तो इंशाल्लाह फिर लियाकत भाई के पास आएंगे, फिर गपशप लगाएंगे, चाय पीते हैं, और चाय पीने के बाद फिर रवानगी है जहाँ पे रिहैबिलिटेशन सेंटर है स्नो तो लिपट का। वक्त की कमी के बायस हम सतरंगी झील से आगे की झीलें न देख सके और सतरंगी झील से ही वापस नलतर जीरो पॉइंट की राह ली। सतरंगी लेक से अब हम जाएंगे वापस जीरो पॉइंट पर, जीरो पॉइंट का मतलब कि हम नलतर के गांव तक जाएंगे, और जीरो पॉइंट तक जो फासला है वो है 9 किलोमीटर, तो 9 किलोमीटर आपको 2.5-3 घंटे आपसे ले लेगा। हाँ जीप पर आए तो फिर तो कम टाइम लगता है, लेकिन बाइक पर क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, पानी है बीच में, पत्थर हैं, तो इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। और जीरो पॉइंट से कल सुबह हम निकलेंगे अब्दाबाद के लिए, बारिश स्टार्ट हो चुकी है। तो एक मर्तबा फिर बोटिंग कर लेते हैं, बोटिंग के बाद फिर जाएंगे वापस। रास्ते में जो रिहैबिलिटेशन सेंटर है स्नो लिपर्ड्स का, वहाँ पे वहाँ पे एक मादा चीता जो है वो है, और वापसी पर बर्फानी चीतों की अफजाइश के लिए बनाए गए सेंटर में कुछ वक्त गुजारा, जहां एक मरंजाने मरंज किस्म के बर्फानी चीते से भी मुलाकात हुई। बर्फानी चीते की खुराक में शामिल बकरों की खालें खुश्क करके मकामी अफराद इन खालों से मुख्तलिफ चीजें बनाते हैं। तो मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं सतरंगी लेक से वापस अपने होटल में, और होटल का व्यू मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, अपना कमरा भी दिखा देता हूँ, चलते हैं रियर कैमरा पर, रियर कैमरा से फिर आएंगे वापस। ये है हमारा फोर व्यू होटल, यहाँ से मैं आपको इसकी एंट्रेंस दिखा देता हूँ। इंतहाई खूबसूरत वादी में ये नलतर की खूबसूरत वादी में ये घिरा हुआ होटल, बल्कि और भी बहुत सारे होटल हैं, बहुत खूबसूरत खूबसूरत हैं। तो बात होती है बजट की, और बजट जो हमारे पास था उसमें हमें माशाल्लाह यहाँ पे जो भाई थे उन्होंने बहुत खूबसूरत कमरा हमें दिया। और तो ये है यार जी हमारे इस होटल की एंट्रेंस, फोर व्यू होटल है और अच्छा साथ में चौधरी साहब भी हैं, तो ये चौधरी फोर व्यू होटल है। और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ जनाब अपना कमरा, जिसमें इस वक्त हमारी है रिहाइश। तो चलते हैं ऊपर। मैं जब सतरंगी झील से वापस आ रहा था तो इमरान रास्ते में एक जीप वाले के साथ बैठ गया था, और माशाल्लाह ये हमारा कमरा है जी, और इमरान सोया पड़ा है, ये देखें जी। तो सर ज्यादा नहीं है किधर, नहीं क्यों रेस्ट, ये रेस्ट करेंगे रेस्ट। दो दिन वादी नलतर की सैर करने के बाद हमने वापसी रवानगी के लिए पीठ ठोंकी, और फिर से अपने चीते की कमर पर सवार होकर 1 सितंबर 2019 को हम रात 9 बजे के करीब डेरा इस्माइल खान वापस पहुंच गए। जी फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग, मैं इस वक्त नलतर से सतरंगी झील से वापस आ रहा हूं जीरो पॉइंट से। सुबह सवेरे हमने सफर किया, थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो गई कि ये जो मेरा बैग है ये मैं आपको दिखाऊं, ये जो बैग है ये यहाँ से फट चुका है, तो इसमें से जितना भी सामान था वो बाहर निकल रहा था, तो मैंने कहा अच्छा है
कि इसको मैं खोल लूं। अब बैग मैंने खोल दिया है, सामान उसमें से जो है वो मैं एडजस्ट कर रहा हूँ दूसरी जगह पे। इमरान मेरे साथ था आगे, जीप वाले के साथ बैठ के चला गया। उसने कहा कि मैं जीप पे जाता हूँ, मुझे हाइट लग गई है, मेरे सर में दर्द है, मुझे उल्टियाँ आ रही हैं। मैंने कहा चलो ठीक है आप जाएँ। तो ये मंजर देखें, कितना खूबसूरत मंजर है। ये है दरिया और मैं आपको एक रोड का व्यू दिखा दूँ। आपने देखा बहुत खराब रास्ता है, दुश्वार गुजार है। और दूसरा ये है पानी है, रेत है, मट्टी है, स्लिपरी है बहुत ज्यादा ये रोड। बहरहाल अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो जरूर आए, अदरवाइज जीप भी चलती है, जीप पर भी आप लोग आ सकते हैं आसानी से। एडवेंचर के शौकीन हैं तो फिर आप बाइक पर आ सकते हैं, वरना बहुत मुश्किल है आपके लिए। बहरहाल चलते हैं, सफर शुरू करते हैं कि मैं आज नारायण की अहमदाबाद तक पहुँचा। इस तरह की मजीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए घंटी का बटन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।